Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में प्लस 3 मार्क्स दिए जा रहे थे एवरी सभी, मान लो जो इतने भी आंसर करेक्ट होते थे, 1 आंसर करेक्ट हुआ तो प्लस 3 मार्क्स मिल रहे थे। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे थे, माइनस में मिल रहे थे इनकरेक्ट के लिए। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो सपोज 1, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया जिस क्वेश्चन को, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। सपोज कोई स्टूडेंट राधिका है, सी स्कोर 20 मार्क्स। इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उन्होंने आंसर दिया और 12 उनके करेक्ट आंसर आए। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए। तो देखो टोटल स्कोर इज इक्वल टू तुम्हारा होता है यहाँ पे, टोटल स्कोर अगर हम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर, जितना करेक्ट आंसर में उनका मार्क्स आया था, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, या फिर मार्क्स लिख सकते हो यहाँ पे, मार्क्स आंसर आया दैट मीन्स वही। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं उन्होंने करेक्ट आंसर दिया तो कितने मार्क्स आए। मार्क ऑब्टेन बाय करेक्ट आंसर, बाय करेक्ट आंसर, तो देखो 12 करेक्ट आंसर दिए उन्होंने और 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स था यहाँ पे 3, तो आपके पास 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो कितना हो जाएगा, 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जो यहाँ पे आएगा 36 मार्क्स, यहाँ पे 36 मार्क्स आए उनके जब उन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट का कितना हुआ। तो यहाँ पे देखो टोटल, यहाँ पे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हो, जैसे टोटल मार्क इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा करेक्ट मार्क, करेक्ट मार्क प्लस इनकरेक्ट मार्क, इनकरेक्ट मार्क, तो करे देखो टोटल मार्क्स हैं 20, करेक्ट मार्क्स हैं आपके 36 प्लस इनकरेक्ट मार्क, देखो इनकरेक्ट मार्क यही हमें फाइंड करना है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं देन हम इनकरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन भी फाइंड कर लेंगे। तो देखो इनकरेक्ट मार्क्स कितना आ जाएगा आपका, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो, इनकरेक्ट मार्क इज इक्वल टू, देखो ये 20 माइनस 36 हो जाए, 36 इधर आ जाएगा, तो इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 20 माइनस 36 होगा, हमने इसको उल्टा लिख दिया। अब 20 माइनस 36 आपका होता है यहाँ पे माइनस 16, इतना उनके क्या आए इनकरेक्ट मार्क्स आए। ओके अब वन इनकरेक्ट मार्क्स का यहाँ पे, वन इनकरेक्ट क्वेश्चन का यहाँ पे कितना हो रहा था, यहाँ पे अगर -2 मार्क हो रहे थे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -2 मार्क इज इक्वल टू वन इनकरेक्ट आंसर, वन इनकरेक्ट क्वेश्चन बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वन इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन का आंसर, देन आपको मिल रहे थे यहाँ पे 2 मार्क्स माइनस में, आपके पास कितने मार्क्स हैं, आप -16 मार्क्स हैं आपके पास, तो कितने आपने क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किया होगा, क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू आपका आ जाता है, देखो आप 16 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -2, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 बाई 2 तो 16, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज योर 8, तो क्या आएगा इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके आए यहाँ पे, इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 8, टोटल इन्होंने राधिका ने 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया था जिससे उनका मार्क्स टोटल स्कोर आया 20, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछा गया है, सपोज एक यहाँ पे मोहिनी नाम की एक स्टूडेंट है, सी स्कोर -5 मार्क्स, इन्होंने -5 मार्क्स ऑब्टेन किया इन द टेस्ट, दो सी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, इन्होंने 7 करेक्ट आंसर यहाँ पे मिला, देन हाउ मेनी क्वेश्चन सी
अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो सेम यहाँ पे उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो इन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क फॉर करेक्ट आंसर, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया तो कितने मार्क्स इनको मिले। तो देखो 1 मार्क्स, जैसा आप वहाँ पे क्वेश्चन पे फर्स्ट ऑफ हमने देखा था करेक्ट आंसर के लिए इनको 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो 3 लिख दिया। एंड टोटल कितना इन्होंने करेक्ट आंसर किया, 7, तो 7 × 3 हो जाएगा, दैट इज 21 मार्क्स इनको करेक्ट मिले। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मार्क्स टोटल स्कोर या फिर टोटल मार्क दिया हुआ है। टोटल मार्क इज इक्वल टू होता है करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मार्क, तो करेक्ट मार्क प्लस इनकरेक्ट मार्क, इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। टोटल मार्क्स है इनका -5 इज इक्वल टू करेक्ट मार्क्स है 21 एंड प्लस इनकरेक्ट मार्क। अब देखो ये 21 इधर आ जाएगा, इधर ये क्या है -5, ये भी आके माइनस हो जाएगा, तो -5 - 21 इज इक्वल टू इनकरेक्ट आंसर, तो मैं इसको इस साइड लिख सकता हूँ, इनकरेक्ट मार्क इज इक्वल टू आएगा -5 - 21, दैट इज योर -26। ये क्या है इनके इनकरेक्ट मार्क्स आए। अब इनकरेक्ट मार्क्स आए तो यहाँ पे देखो -2 मार्क्स मिल रहे थे फॉर -2 मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट क्वेश्चन है, फिर आप बोल सकते हो आंसर के लिए। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास मार्क्स हैं 26 माइनस में, -26 अगर ये मार्क्स इनको मिला है तो कितना क्वेश्चन है फिर, कितना आंसर इन्होंने दिया। ओके इज इक्वल टू देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -26 मल्टीप्लाई बाई 1 देन डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस माइनस प्लस में, दैट इज योर देखो 26/2 हो जाएगा, तो एक कट होगा 2 1 2 2, यहाँ पे 13 जा होता है, यहाँ पे आपका 26, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे 13 क्वेश्चन अटेंड किए, क्या आएगा 13 क्वेश्चन। सी मोहिनी अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ।